अस्सलामुअलैकुम जी, भी गॉर्डन के साथ रहला बल्तिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे उन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है अथर मिर्जा साहब। आप जी भी म्यूजिकल बैंड के फाउंडर हैं, इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। आप हमें मॉर्निंग शोज में भी काफ़ी नज़र आए हैं और इन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी परफॉर्म किया है, तो आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, आप बल्ती ये तो हम जानते ही है, ये बताइए कि आपका बल्तिस्तान से कहाँ ताल्लुक है? जी, मेरा बल्तिस्तान स्कर्दू से ताल्लुक है, सिटी स्कर्दू, हैदराबाद गंगोत्री से मेरा ताल्लुक। अच्छा जी, आप स्कर्दू से है तो आप कराची तक कैसे पहुंचे? जी, स्कर्दू से कराची तक का सफर यूँ हुआ, बेसिक मेरा पर्पस रहा एजुकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज की बहुत कमी है, इस वजह से मैं अपनी फर्दर स्टडीज को कम्प्लीट करने के लिए कराची आया। अच्छा जी, तो आप हमें ये बताइए कि आपने म्यूजिक कब और कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, म्यूजिक रहा बात कुछ यूँ है, मैं आपको ब्रीफली बता लूँ कि ये 2010 की बात थी। मैं इस्लामाबाद में पढ़ रहा था तो एक अनाउंसमेंट हुई कि यार लोक विरसा में गिलगित बल्तिस्तान में कल्चरल शो हो रहा है, तो हम सब सारे लड़के जो इंटरेस्टेड थे, तब तक मुझे मौसीकी से ना कोई शगफ था ना कुछ मेरा हो रहा था। उसके बाद जब हम शो पे पहुंचे, मैंने देखा गिलगित बल्तिस्तान के नाम पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे, लोग आ रहे थे, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद थी, और परफॉर्मेंस की जब टाइम परफॉर्मेंस का आया तो वहां पे गिलगित, होंदा, चतराल, हर जगह से नुमाइंदगी थी। लेकिन वहां पे मुझे एक चीज की बहुत कमी महसूस हुई कि वहां पे इस टोपी में और बल्ती म्यूजिक के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ा, कोई भी नहीं था। तो हम जिस शौक से, जिस वलवले के साथ वहाँ शो में गए थे, हमें एक अजीब सी कमी सी महसूस हुई। वो कि प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था, लेकिन फिर भी एक कमी सी रह गई कि हमने बल्तिस्तान को बहुत ज्यादा मिस किया। उसके बाद मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैं हॉस्टल में आके सोचने लगा यार बल्तिस्तान से क्यों नहीं था यहाँ पे। तो फिर मैंने एक जनरली सर्वे किया तो बल्तिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जो कि नेशनल लेवल पे आके परफॉर्म करे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बनाया और हमने स्टार्टअप लिया म्यूजिक का, जबकि हमें म्यूजिक का कुछ भी नहीं पता था। हमने सोचा बल्तिस्तान के म्यूजिक को, जो हमारे म्यूजिक थे, जो हमारे लोकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बिल्कुल नापेद हो गए थे। हमने अपने लोकल म्यूजिक को, फोक म्यूजिक को जो है ना, नए इंस्ट्रूमेंट में और नए रूप में लोगों के सामने लाना चाहा। इसके लिए मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, स्पेशली मेरे फादर ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बढ़ाया, माशाल्लाह से बैंड अब बहुत मुस्तहकम हो गए, और इसके ब्रांचेस हमने स्कर्दू सिटी के अलावा कराची में, खपलू में और शिगर में भी ओपन किए, और माशाल्लाह इसके बाद से जो है ना, हर नेशनल इवेंट में बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन लाजमी होती है। अच्छा, तो इस फील्ड में आने के बाद बल्तिस्तान जैसे इलाके में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा होगा, तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? जी राहिला, बिल्कुल, प्रॉब्लम तो इस फील्ड में आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ, उससे पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस फील्ड में आ रहा हूँ। इस फील्ड में जब आया उसके बाद सबसे पहले तो मुझे अपने घर से सपोर्ट रहा, अपने दोस्तों का सपोर्ट रहा, इस वजह से मेरा जो है ना मंजिल तक बहुत आसानी से मैं पहुंचा। बाकी डिफिकल्टीज तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत की, लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था, वो म्यूजिक को बहुत ज्यादा बुरा समझते थे, क्योंकि इससे पहले बल्तिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे बच्चों को या जो आने वाले नस्लें हैं, जो हमारे टैलेंट है, उनको जो है ना दुनिया के सामने ला सके। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गए, लोगों ने एतराज किए, कई जगहों पे हमारा जो है ना स्टूडियो हमें तब्दील करना पड़ा, स्टूडियो बंद हो गए, लोगों ने एतराज किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश इस बात से हूँ, अब माशाल्लाह से 30 अबव हमने स्टूडेंट अपने स्टूडियो से जो है ना फारिग किया है,
और बल्तिस्तान में जितने भी आपको न्यू टैलेंट नज़र आ रहे हैं, जिनके एल्बम्स आ रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब जीबी म्यूजिकल बैंड से सीख के या कहीं ना कहीं जीबी म्यूजिकल बैंड के साथ उनका ताल्लुक रहा। और सबसे खुशी की बात यह है कि अब हमसे पेरेंट खुद रब्ता करते हैं कि अपने बच्चों को म्यूजिक क्लासेस के लिए, उनकी वोकलिस के लिए और उनके सुरताल जो है ना कलाम वगैरह के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए हमसे रब्ता करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। हमें बीच में ये सुनने को मिला था कि आपने म्यूजिक छोड़ दिया है, तो ये क्या मामला है, आप क्लियर कर दें। जी राहिला, ये बात तो बहुत वायरल हो गई कि मैंने म्यूजिक छोड़ दिया। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब की कॉल मैसेजेस रिसीव हुए हैं उसके बाद। बेसिकली असल मसला ये था कि मैंने म्यूजिक को नहीं छोड़ा था, लोगों ने गलत समझा इस बात को। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, यूनिवर्सिटीज भी मुझे कंटिन्यू रखना था और साथ साथ मैंने आर्ट्स काउंसिल में अपने म्यूजिक को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए क्लासे ले रहे थे। तो मुझे मसरूफियात की वजह से, मैंने साफ मेंशन कर दिया था कि मैं अपनी जाती मसरूफियात की वजह से कुछ अरसे के लिए म्यूजिक से किनारे कशी कर रहा हूँ। तो उन्हीं दिनों में बहुत ज्यादा हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इवेंट्स हुए, तो लोगों ने सोचा कि मैंने मुकम्मल छोड़ दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, म्यूजिक छोड़ना जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अच्छा जी, तो हमने मतलब गलत सुना था कि आपने म्यूजिक छोड़ दिया है। वैसे म्यूजिक की लाइन में आने के बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप इस फील्ड को फ्यूचर में कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। जी राहिला, आगे तो जो मैंने सोच रखा है, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी दे, मैं अपनी स्टडीज मुकम्मल करने के बाद एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ बल्तिस्तान के अंदर, जिसमें हमारे लोकल इंस्ट्रूमेंट प्लस जो है ना ये दूसरे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, इनकी प्रॉपर क्लास हो। वहाँ पे बच्चों को आर्ट सिखाया जाए, म्यूजिक सिखाया जाए, स्कल्पचर सिखाया जाए और उसके साथ उनके वोकल और दीगर टैलेंट पे काम करें। क्योंकि एकेडमीज, अच्छा स्कूल कॉलेजेस से फारिग होने के बाद हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यंगस्टर को करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ज्यादातर टाइम अपना सोशल मीडिया या जो है ना ऑनलाइन गेमों पे जाया कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर प्लान भी ये है और मेरा बैंड जो है ना, बैंड के जितने भी मेम्बर्स हैं वो सब इनशाला मेरा साथ देंगे और हम बहुत जल्द सर्दों में एक इंस्टीट्यूट लॉन्च करेंगे जो कि बच्चों के टैलेंट को जो है ना वो सामने लाए। जो भी म्यूजिक के फील्ड में आना चाहते हैं वो अथर मिर्जा साहब से कॉन्टेक्ट करें, आपको फुल गाइड करेंगे। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को? जी जैसे राहिला आपने कहा, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, या जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में आए, जो भी कोई कलाम पढ़ना चाहे, कोई नात पढ़ना चाहे, तो जीबी म्यूजिकल बैंड के स्टूडियो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल के वसातत से मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए खुला है। जो भी आना चाहते हैं आए, सीखें, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि आप सॉन्ग ही गाएं, आप किसी भी फील्ड में जाना है, आपके लिए सुर ताल स्केल लाजमी है। तो जीबी म्यूजिकल बैंड जो स्कर्दू में हमारे यंगस्टर है, वो स्कर्दू में हमारे ऑफिस आए, स्टूडियो आए, उनके लिए रिकॉर्डिंग की भी सहूलियत मौजूद है वहाँ पे कर दे। जो कराची में है, मैं खुद आजकल कराची में हूँ, तो यहाँ पे मुझसे रब्ता करें। इसी तरह दीगर हमारे शिगर में जो है, खपलू में है या रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, उन सब के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे आ जाएं, वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैसेज का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यंगस्टर को और स्पेशली पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के जो है ना टैलेंट को जाया मत करें, उनमें जो टैलेंट है उसको आगे लाए। माशाल्लाह अभी बहुत खुशी होती है कि हमारे यंगस्टर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई नात में, कोई मंतबत में, कोई सूफियाना कलाम और मिली नग में, ठीक है ना। जैसे माशाल्लाह आप हमारे पास मिसाल है कि आपके घर वाले आपको इतने ताउन कर रहे हैं कि आप एक एंकर पर्सन बन गए, सिंगर भी आप ऑलरेडी हो, तो माशाल्लाह आपका फ्यूचर हम देख रहे हैं। तो जिस तरह आपने होस्टिंग की, जिस तरह आप शो कर रहे हैं, इसी तरह मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे आए और अपने टैलेंट को जो है ना वो दुनिया के सामने भेजें। थैंक यू सो मच, आपने मेरा टैलेंट भी मुझे बता दिया। और इनके पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें थोड़ा सा वक्त निकाल दिया। थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? अगर आपको इस प्रोग्राम के हवाले से कोई कुछ पूछना है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे राबता कर सकते हैं।